শহরে বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি তেজস্বী সূর্য ইতিমধ্যে শহরে বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি বিজেপি যুব মোর্চার বিকাশ ভবন অভিযানে যোগ দিতে শহরে এলেন তেজস্বী। আজকে বিজেপি যুব মোর্চা তরফ থেকে যেভাবে এসএসসি এসএলএসটি বিভিন্ন চাকরি প্রার্থীরা দিনের পর দিন মাটিতে রয়েছেন, রাস্তায় রয়েছেন, বিক্ষোভ করছেন, প্রতিবাদ করছেন, আজ তাদেরই হয়ে রাস্তায় যুব বিজেপি মোর্চা ইন্দ্রনীল খাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেজস্বী সূর্যকে। देश जानता है कि बंगाल में अराजकता, भ्रष्टाचार गरिमा में है, विशेष रूप में शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई साल से घोटाला चल रहा है। टीचर्स का अपॉइंटमेंट में 2016 से लेकर आज तक निरंतर घोटाला चल रहा है। लाखों संख्या में वैकेंसीज है और जिन लोगों को अपॉइंटमेंट होता है उन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में होते ही नहीं है। जो टीएमसी के केडर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। ऐसे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो करप्शन हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीएमसीआइजेशन हुआ है, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। मैं आज भी प्रदेश में सभी युवाओं को आग्रह करता हूं, आज दोपहर विकास चलो अभियान में आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए और इस अभियान को यशस्वी बना दीजिए। लेकिन आज का जो रैली है पुलिस परमिशन नहीं दिया है, उधर बहुत अभी पुलिस भरा है। परमिशन कभी भी पुलिस नहीं देता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो सांविधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, हमारे अधिकार या हक मांगने का, इन सभी अधिकारों के ऊपर ममता बनर्जी की सरकार दबा देते हैं, ये सांविधानिक अधिकार को खींचते हैं। इसमें कुछ सरप्राइज का बात ही नहीं है। आज भी युवा मोर्चा का प्रदर्शन के ऊपर पुलिस का दबाव शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी युवा मोर्चा का संकल्प बहुत स्पष्ट है, हम विकास भवन चलो कार्यक्रम यशस्वी करेंगे। यहाँ के लाखों करोड़ों युवाओं का जो आशा है वो अधिकार है, वो अधिकार प्राप्त करने के लिए हम सब लोग यशस्वी रूप से हम मांग करेंगे और प्रतिभटन आंदोलन हम करेंगे ही। आप साथ में आइए, आप भी देखिए क्या যে বাংলায় অরাজকতা ভ্রষ্টাচার চলছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি চলছে, 2016 সাল থেকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি চলছে, যাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তাদের মেরিট লিস্টে নামই থাকছে না। তাই আজকে দুপুরে বিকাশ ভবন চলো বিজেপি যুব মোর্চা তরফ থেকে যে বিকাশ ভবন যাত্রা শুরু করা হবে তাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন তেজস্বী সূর্য। এনেদিকে পুলিশ পারমিশন নেই শোনার পর তিনি বলছেন যে পুলিশ কখনোই পারমিশন দেয় না। মমতা ব্যানার্জির সরকার মানুষের যে সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে প্রতিবাদ জানানোর, সেই অধিকারকে খর্ব করছেন।